सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट योर प्लेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज सिल्क फाइबर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वूल फाइबर विच इज ऑल्सो ए एनिमल फाइबर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिल्क फाइबर। ये भी क्या है? एक एनिमल फाइबर है। जैसे कि वूल हमने एनिमल्स के हेयर से ऑब्टेन किया था, ऐसे ही सिल्क भी हमें किसी और ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वहीं से हमें मिल रहा है, इसीलिए हम इसको सिल्क फाइबर या फिर एनिमल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये हमें किसी एनिमल की हेल्प से हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं। अब देखिए, सिल्क जो है, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सिल्क जैसा कुछ फाइबर सिक्रीट करता है। अब देखिए, जो सिल्क है वो सबसे पहले चाइना में जो इसका मेथड जो है ऑब्टेन करने का डेवलप हुआ था नियर अबाउट 5000 ईयर अगो। लेकिन चाइना वालों ने हम किसी और कंट्रीज़ को या दुनिया को नहीं बताया कि एक्चुअल में जो सिल्क है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन बाद में ये रिवील हुआ या पता चला कि ऐसे इस तरीके से या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई वॉर्म है या कोई कीड़ा है जिसकी हेल्प से सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इंडिया में जो सिल्क प्रोडक्शन का काम जो है वो नियर अबाउट 1700 ईयर्स पहले ही पता चला था। तो वो उन्हें पता चला कि एक कीड़ा होता है जो कि क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस या प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो है वो फ्लूड की तरह वो सिक्रीट करता है, और जैसे ही वो लिक्विड सब्सटेंस एयर के एक्सपोजर में आता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और अब उन थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? सिल्क फाइबर। और उस फाइबर को यूज़ करके सिल्क क्लोथ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो कि सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो उसे कहा जाता है, इसके नाम पे ही है, उसे सिल्क वॉर्म कहा जाता है। सिल्क वॉर्म, वो मीन्स कीड़ा, और सिल्क क्या है? एक फाइबर है। तो जो ऐसा कीड़ा जो कि सिल्क बनाता है उसे क्या, उस ऑर्गेनिज्म से हमें सिल्क मिलती है। तो अब हम इसकी जो है लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल मीन्स कि जो डेवलपमेंट इसकी कैसे होती है, कब ये सिल्क प्रोड्यूस करता है, कब ये रिप्रोड्यूस करता है, या और बहुत सारे भी जो इसकी लाइफ की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सिल्क वॉर्म की है लाइफ साइकिल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फीमेल सिल्क मोथ जो कि क्या करेगी, एग ले करेगी। सिल्क मोथ क्या करती है कि एग ले करती है, और जो सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करता है। तो सिल्क मोथ क्या करती है, लेज एग ऑन मलबरी लीव्स, उन पत्तों के ऊपर जो है वो एग्स छोड़ देती है। तो कुछ टाइम के बाद क्या है, एग से एक कीड़े जैसा एक ऑर्गेनिज्म निकलता है जिसे कहा जाता है कैटरपिलर। ये कैटरपिलर क्या होता है, मोथ का लार्वा होता है। लार्वा क्या है, जो अडल्ट से बहुत सारी स्टेजेस होती हैं लार्वा कैटरपिलर डायरेक्ट जो है, जैसे कि हमारे केस में होता है, अडल्ट जैसे दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बर्थ यहाँ पर नहीं करता है, बहुत सारी बीच में स्टेजेस होती हैं, उन्हीं स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब जो कैटरपिलर है वो क्या करता है, लीव्स के ऊपर फीड करता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होने वाला होता है और ये फीड करना बंद कर देता है। जैसे ही ये फीड करना बंद करता है तो इसके सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से एक लिक्विड फ्लूड लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है जिस जो कि क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन होता है एक्चुअल में, ये वो फाइब्रोइन प्रोटीन जिसका नाम होता है। तो ये क्या करता है, वो फ्लूड सिक्रीट करता है। तो वो फ्लूड क्या है, जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आता है या एयर को कॉन्टेक्ट में आता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये है कैटरपिलर जो है वो फीड करना बंद कर गया, और कैटरपिलर के बाद की जो स्टेज होती है प्यूपा। तो प्यूपा के अराउंड जो है ये सिल्क फाइबर जो है वो रैप होता रहता है, क्योंकि जो सिल्क जो था,
सिल्क जो है कैटरपिलर जैसे ही प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होने वाला होता है, इसके माउथ से फ्लूड निकलता है और वो माउथ जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे ही कोकून लाइक स्ट्रक्चर या बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्टेज को कहा जाता है कोकून, कि अब जो प्यूपा है वो इस कोकून के अंदर बंद है और जैसे जैसे सिक्रीशन हो रही है ये बाहर से सॉलिड फॉर्म बनाता जा रहा है। एक्चुअल में ये जो बीड जो बनी है, ये मोती लाइक जो स्ट्रक्चर ये जो बना है, ये क्या है, इसके अराउंड सिल्क है, सिल्क फाइबर जो है वो इसके अराउंड रैप हो गया है। तो अब क्या होगा कि कोकून के अंदर प्यूपा ग्रो कर रहा है, प्यूपा के बाद की जो स्टेज होती है वो अडल्ट ही होती है, कि जैसे ही प्यूपा से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है या अडल्ट, अडल्ट का मतलब होता है जैसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, जैसे कि फीमेल मोथ में पंख थी, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि बटरफ्लाई की जो पंख होती है वैसे ही मोथ में भी होती हैं। तो लेकिन जो कैटरपिलर था उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे वॉर्म लाइक था, इसमें कोई पंख नहीं थी। उसके बाद की स्टेज होती है प्यूपा, प्यूपा के अराउंड सिल्क फाइबर रैप होता है तो वो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे कोकून कहा जाता है। और कोकून के अंदर जो है वो प्यूपा की ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट में जैसे ही कन्वर्ट होता है ये इस कोकून को कट कर देता है और कट करके ये बाहर निकल आता है। तो ये मोथ तो क्या है, ये अडल्ट तो क्या है, ये बाहर निकल आता है और जो सिल्क का जो ये स्ट्रक्चर है ये एज इट इज़ वहीं छोड़ देता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, अब ट्रीट किया जाता है कि जो है बॉइलिंग वाटर में छोड़ा जाता है इसको, टू रिलीज द थ्रेड ऑफ द सिल्क। बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है इस कोकून को और इस बॉइलिंग वाटर की वजह से क्या होता है कि जो सिल्क का जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ था ये क्या है, अब सॉफ्ट हो जाता है ताकि जो थ्रेड है वो निकालना आसान हो जाता है। तो यहाँ से बॉइलिंग वाटर के बाद जो सिल्क है वो ऑब्टेन की जाती है, इस सिल्क को कहा जाता है रो सिल्क। अब इस रो सिल्क के जो थ्रेड हैं उसको यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। रो सिल्क इज यूज टू मेक थ्रेड स्पन इनटू थ्रेड और थ्रेड से बनाया जाता है फैब्रिक। तो ये जो है वो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिल्क, हाउ सिल्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। कि सबसे पहले जो मोथ है वो क्या करेगी, एग ले करेगी, एग जो है वो एग से कैटरपिलर निकलेगा, कैटरपिलर जो है वो लीव्स के ऊपर फीड करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जैसे ही प्यूपा में कन्वर्ट होने वाला होगा तो प्यूपा जो है इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है। तो प्यूपा जैसे ही क्या होता है कि कैटरपिलर बंद कर देता है खाना, तो क्या करता है जो फ्लूड है वो सिक्रीट होना शुरू होता है और वो जो फ्लूड है एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बॉडी के अराउंड रैप होना शुरू हो जाता है सिल्क। तो ये प्यूपा जो है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसमें, जिसे क्या कहा जाता है, कोकून। जैसे ही प्यूपा ग्रोथ करके अडल्ट की फॉर्म में आ जाता है तो इस कोकून को जो है ये कट कर देता है। कट करने के बाद जो है अडल्ट तो बाहर आ जाता है और जो कोकून है उसको हम अब सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस कोकून को ट्रीट करवाया जाता है बॉइलिंग वाटर के साथ ताकि जो सिल्क जो हार्ड हो चुका है ये जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट हो जाए और सिल्क के जो थ्रेड हैं वो हम मतलब उसको निकाल सकें। तो इस ये जो सिल्क निकलती है कोकून से उसे रॉ सिल्क कहा जाता है और जो रॉ सिल्क को स्पन किया जाता है जैसे कि थ्रेड बनाने के लिए। तो थ्रेड बना लिए, अब थ्रेड से बन जाएगा फैब्रिक। आपने देखा होगा सिल्क जो है वो बहुत ही शाइनी, स्मूथ और लाइट इन वेट होता है फैब्रिक जो होता है और बहुत ही महंगा मिलता है क्योंकि इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी होती है, लाइट इन वेट होता है और डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलता है, शाइनी होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट सिल्क फाइबर। स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई मेथड ऑफ टीचिंग देन प्लीज कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।